ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं लोग। देखो, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, बस एक दो लोग और आ रहे हैं, फिर अपन चालू करते हैं ना। ओके, तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। पहला टॉपिक लिखो आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। टॉपिक लिखो अपना आज का, पहला टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। पहले तुम ये सीखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते कैसे। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। तो एक चार्ज या एक से अगर ज्यादा चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो पहला आज का अपना टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो अगर मान लो मुझे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब तुम ध्यान से देखो। याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी चार्ज ना क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे अगर मान लो कोई पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं हम वी से। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे अगर मान लो कोई पॉइंट है पी, तो उस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। यहां पे अगर तुम्हें नहीं पता है तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। Q मतलब चार्ज कितना है, R मतलब आपका पॉइंट कितना दूर है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज Q है ना, तो किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे मान लो कोई पॉइंट है P, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। याद रखना, पोटेंशियल स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कि चार्ज और पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है। लिख लो अपनी कॉपी में, फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। संयम, तुमने अभी ज्वाइन किया है, मैंने चालू भी अभी किया है। तो मेरा आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो दुनिया में अगर मान ले कोई चार्ज है क्यू, तो किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। कर लो कॉपी कर लो यार। और यहाँ पे ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन तुम करना, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक सिंपल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं। मान लो कि मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस 2 कूलम से 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, तो आपको मुझे बताना है कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा। मान लो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तो मान लो कि अपने पास एक 2 कूलम का चार्ज है, इससे 10 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है पी, तो आपको बताना है कि पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। देखो तुम बोलोगे सर क्या क्वेश्चन करा रहे हो आप यार, इतना सिंपल है ये, पर होगा क्या, इससे तुम्हें फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाय आर। तो के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻¹। चार्ज कितना है, 2, और डिस्टेंस कितनी है, 10, और आंसर किस में आएगा, वोल्ट में। तो 1 0 से 1 0 गया, तो ये आ जाएगा 18 × 10⁸ वोल्ट, ये आ गया इसका आंसर। तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, उससे आर दूरी पे आपका पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। यहाँ पे के की वैल्यू फिक्स है जो तुम्हें याद रखनी है, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना। आर का मतलब है कि आपके चार्ज से आपका पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें तो पूछो यार। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, डी करके लिखना। डी का मतलब है ये डेरिवेशन है। तो टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मान लो कि आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालोगे, देखो तुम सब सीखना कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक चार्ज है Q1, मान लो हमारे पास एक और चार्ज है Q2, मान लो हमारे पास एक और चार्ज है Q3, और मान लो कि एक पॉइंट है ये, मान लो Q1 से ये पॉइंट R1 दूरी पे है, मान लो Q2 से ये पॉइंट R2 दूरी पे है, मान लो Q3 से ये पॉइंट R3 दूरी पे है, और मान लो इस पॉइंट का नाम है O, और मेरे को पता करना है कि बताओ O पे पोटेंशियल कितना होगा। अब एक चीज तुम याद रखना, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तभी होता है जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होता है। तो आप मुझे ध्यान से देख के बताओ कि अपना जो ओ पॉइंट है ना, ये ओ, तो ओ के पास 3 चार्ज है, एक तो Q1 है, तो मान लो Q1 का पोटेंशियल V1 प्लस, एक Q2 है तो Q2 का पोटेंशियल V2 प्लस, एक Q3 है तो Q3 का पोटेंशियल V3। अब आप मुझे बताओ कि Q1 से आपका पॉइंट कितनी दूरी पे R1, तो V1 तो कितना हो जाएगा, KQ1 बाय R1। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा, KQ2 बाय R2, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाय R। तो O पॉइंट से R1 दूरी पे Q1 पड़ा है तो इसका KQ1 बाय R1, O पॉइंट से R2 दूरी पे Q2 पड़ा है तो इसका KQ2 बाय R2, O पॉइंट से R3 पे क्या पड़ा है, Q3 पड़ा है, तो इसका हो जाएगा KQ3 बाय R3। तो O पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, यह आ जाएगा KQ1 बाय R1 प्लस KQ2 बाय R2 प्लस KQ3 बाय R3। तो यह आ गया आपका नेट पोटेंशियल। ये किसका डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो अगर अकेला चार्ज है तो के क्यू बाय आर, अगर एक से ज्यादा है तो सबका निकाल के सबको ऐड कर दो, कोई सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस एक एक का निकालो सबको ऐड करते जाओ। तो ओ पॉइंट पे 3 पोटेंशियल होंगे, एक Q1 का होगा तो Q1 से अपना पॉइंट कितना दूर है R1, तो KQ1 बाय R1, एक Q2 का होगा तो Q2 से कितना दूर है R2, तो KQ2 बाय R2, एक Q3 का होगा तो Q3 से कितना दूर है R3, तो KQ3 बाय R3, और आपको इन तीनों को ऐड कर देना है। लिख लो अपनी कॉपी में आराम से, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करता हूं, एक तुम करना। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो यार। देखो है कुछ नहीं, सिंपल तुम्हें दिमाग लगाना है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होते हैं। तो O से R1 दूरी पे Q1 है तो KQ1 बाय R2, R1, O से R2 दूरी पे Q2 है तो KQ2 बाय R2, O से R3 दूरी पे Q3 है तो KQ3 बाय R3। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें ट्राई करना है।
क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास तीन पॉइंट है, ए बी और सी। मान लो यहां पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, यहां पे भी क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और मान लो ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है और मान लो ये डिस्टेंस भी आपको ए दे रखी है। तो क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी। तो आपको बताना है कि बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो अपने को बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा तुम सब मुझे खुद सोच के बताओ, अपने बी पॉइंट के पास कितने चार्ज है, दो चार्ज है, एक तो ये वाला क्यू एक ये वाला क्यू। तो बी पे कितना पोटेंशियल होगा, देखो तो इस क्यू से बी कितनी दूरी पे, ए दूरी पे, तो इसका कितना आ जाएगा, के क्यू बाय ए, प्लस इस क्यू से भी बी कितनी दूरी पे, ए दूरी पे, तो इसका कितना आ जाएगा, के क्यू बाय ए, तो कितना हो गया, 2 KQ बाय ए। ये आपका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। तो आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट के आसपास जितने चार्ज है उन सब चार्ज का पोटेंशियल निकालो, ऐड कर दो। तो बी के पास में एक तो ए पॉइंट है, यहाँ पे कितना है क्यू, तो क्यू से ए दूरी पे के क्यू बाय ए, क्यू से ए दूरी पे के क्यू बाय ए, तो के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय ए कितना हो गया, 2 KQ बाय ए हो गया। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो मुझे इसका निकाल के बताओ। सपोज करो मैं तुम्हें ये पूछूं कि मेरे पास मान लो कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और मान लो कि यहां पे चार्ज पड़ा है क्यू, यहां पे पड़ा है माइनस क्यू, यहां पे पड़ा है क्यू और यहां पे पड़ा है माइनस क्यू, और मान लो स्क्वायर का सेंटर है ओ, और मान लो आपको ये डिस्टेंस दे रखी है डी, तो ये भी क्या हो जाएगी डी, ये भी क्या हो जाएगी डी, और ये भी क्या हो जाएगी डी। तो आपको बताना है कि ओ पे कितना पोटेंशियल होगा, ट्राई करो कितना आएगा सबका आंसर। सब लगाओ दिमाग, कितना आएगा सोचो सब। सिद्धार्थ इस क्वेश्चन के बाद शो करता हूं बेटा। नहीं वंश, ध्यान से देख, करेक्ट है जिनल, सयाम, रानू करेक्ट है, बाकी सब भी ट्राई करो, तहसीन करेक्ट है, करेक्ट है लीजा। देखो अपने ओ पॉइंट पे चार पोटेंशियल होंगे, एक माइनस क्यू का होगा, कितना होगा, के माइनस क्यू बाय डी, क्योंकि के क्यू बाय आर होता है, प्लस एक क्यू का होगा, कितना होगा, के क्यू बाय डी, क्योंकि इस क्यू से कितना दूर है, डी दूरी पे, फिर इस माइनस क्यू से भी कितनी दूरी पे, डी, तो एक और कितना आ जाएगा, प्लस के माइनस क्यू बाय डी, और इस क्यू से कितनी दूरी पे, डी दूरी पे, तो प्लस के क्यू बाय डी। तो ये गया, नेट कितना आया, सेम आ गया। नई दिशा, ध्यान से देख, चारों कैंसिल हो रहे बेटा। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो तुम मुझसे अब बेझिझक पूछ सकते हो कि नहीं सर नहीं समझ में आया, आप वापस बता दो, आप अपने आप को अनम्यूट करो और आप पूछ सकते हो। तो याद रखना, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होते हैं। तो अपने ओ पॉइंट के पास में चार चार्ज है, तो चार पोटेंशियल आएंगे, और किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो इस माइनस क्यू से डी दूरी पे क्या हो गया, के माइनस क्यू बाय डी, इस क्यू से डी दूरी पे क्या हो गया, के क्यू बाय डी, इस माइनस क्यू से डी दूरी पे क्या हो गया, के माइनस क्यू बाय डी, इस क्यू से डी दूरी पे क्या हो गया, के क्यू बाय डी। लेकिन ये तो कैंसिल हो गए और नेट कितना आ गया, जीरो आ गया। अब कोई डाउट है तो पूछो, शौर्य कोई डाउट है बेटा, कोई भी डाउट, दिशा कोई डाउट है तो पूछो मुझे। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज क्यू यहां पे है, एक चार्ज क्यू यहां पे है, ये एक पॉइंट है, एक चार्ज माइनस क्यू यहां पे है। आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस ए है, आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस ए है, आपको दे रखा है कि ये डिस्टेंस भी ए है, आपको दे रखा है कि ये पॉइंट ओ है। आपको बताना है कि ओ पे पोटेंशियल कितना होगा।
होगा सोचो, ओ पे पोटेंशियल निकालना है, कहां पे? ओ पे। देखो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कब होता है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होता है। तो ए तो एक तो ए से आर दूरी पे माइनस क्यू है, तो इसका पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू बाय ए। एक ओ से ए दूरी पे क्यू है, तो इसका कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए। एक ओ से टू ए दूरी पे क्यू है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन टू है। तो आप इन तीनों को ऐड करो, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपका आंसर कितना आया, के क्यू अपॉन टू है। लिख लो, इसका आंसर है के क्यू अपॉन टू है। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है बेटा तो पूछो। जी नल, कौस्तुभ, रानू, सयाम, अलीजा, भानु, तनु, कोई डाउट है तो बेटा पूछो यार। तहसीन, स्वरा, यश भाई, डाउट है तो पूछना तो पड़ेगा यार। वो आगे वाला टू ए क्यू है। देखो मैं वापस समझा देता हूँ। देख स्वरा, एक चार्ज क्यू था और मेरे हिसाब से एक क्यू था और यहाँ पे एक माइनस क्यू था, और अपने को इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था। अपने को ये डिस्टेंस ए दे रखी है, अपने को ये डिस्टेंस भी ए दे रखी है, अपने को ये डिस्टेंस टू ए दे रखी है, और अपने को यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। देख कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, देख तू मुझे ध्यान से देखिए बता। इस माइनस क्यू से अपना पॉइंट कितना दूर है, ए, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाय ए, के माइनस क्यू बाय ए। इस क्यू से अपना पॉइंट कितना दूर है, ए, तो इस क्यू का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाय ए। और ध्यान से देख के बता, ये सॉरी ये ए दे रखा है। इस क्यू से अपना पॉइंट कितना दूर है, देख के बता, इस क्यू से अपना पॉइंट कितना दूर है, ए प्लस ए टू है, तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन टू है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, के क्यू अपॉन टू है बचा कि नहीं बचा। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें तो पूछो, वरना इसके साथ तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। देखो टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? देखो एक चीज तो तुम याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी चीजें अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, और जब भी चीजें एक दूसरे पे फोर्स लगाती है ना, तो उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में होती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इंडिया में तो अपन वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फॉरेन कंट्रीज में इसके लिए वर्ड होता है इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी का मतलब है, अगर मान लो दो चीजें एक दूसरे को मान लो अट्रैक्ट करती हैं, या फिर मान लो कि दो चीजें एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब उनके बीच में क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है ना। तो अपने केस में क्या होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, इसलिए चार्जेस के बीच में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, और इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज इज जीरो। मतलब दुनिया में अगर मान लो कोई चार्ज क्यों अकेला है, तो अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। क्योंकि अगर मान लो दुनिया में कोई चार्ज अकेला है, तो ना तो इस चार्ज को कोई अट्रैक्ट करेगा, ना इस चार्ज को कोई रिपेल करेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार एक 2 कूलम का चार्ज अपनी जगह बैठा हुआ है, तो बताओ इस 2 कूलम के चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आपको बोलना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो। तो एक अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज इज जीरो।
अकेले चार्ज की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि दुनिया में अगर मान लो कोई +1 कूलम बैठा है, मान लो इसके अलावा दुनिया में कोई चार्ज है ही नहीं, तो ना तो इस 1 कूलम को कोई अट्रैक्ट करेगा, ना इस 1 कूलम को कोई रिपेल करेगा। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो लिख लो अपनी कॉपी में ये लाइन, लिख लो अपनी कॉपी। ठीक है, और कोई तुम्हें पूछेगा ऐसा क्यों होगा, तो आपको बोलना है कि भैया अकेले चार्ज पे जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहां से होगी? पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब चीजों पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, तो दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो मान लो आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 / R। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लिख लो अपनी कॉपी में K Q1 Q2 / R। K की वैल्यू मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ, 9 × 10⁻⁹। Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, R का मतलब है कि इन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है ना, Q1 और Q2, जिनके बीच में डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? K Q1 Q2 / R। लिख लो अपनी कॉपी में। वंश, MGH जो होती है ना वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और K Q1 Q2 / R है ना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। लिख लो इसका एक न्यूमेरिकल जिसे तुम्हें सॉल्व करना है। आप पूछो संयम, क्या डाउट है? लिख लो, तो दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, मान लो उनके बीच में डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 / R। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, R मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ, इसमें अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, क्योंकि ये फोर्स नहीं है ये एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते वक्त मान लो एक चार्ज +2 है, एक चार्ज -2 है, तो Q2 को -2 ही लेना, +2 मत लेना। अगर तुम कोई भी स्केलर क्वांटिटी निकालते हो ना, तो चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना, और कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालते हो जैसे फोर्स, तो आपको सिर्फ चार्ज की वैल्यू पुट करनी होती है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। तो क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 कूलम एंड -3 कूलम प्लेस्ड एट 100 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो आपके पास दो चार्ज है 2 कूलम और -3 कूलम, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो आपको बताना है कि उन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ट्राई करो, वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, अपने आप आंसर आएगा। कितना रहा चेक करो, 2 × 3 = 6, 9 × 3 = 54, तो -54 × 10⁻⁷ जूल, क्योंकि 2 जीरो ऊपर आया तो 2 जीरो कम कर दिए, तो ये आपका आंसर है। तो दुनिया में अगर कोई भी दो चार्ज है Q1 और Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस है R, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? K Q1 Q2 / R। याद रखना यहां पे कभी भी डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मत लेना,
अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप ध्यान से सुनो। तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक Na प्लस आयन है, आपके पास एक Cl माइनस आयन है, और इन दोनों के बीच में आपको दूरी दे रखी है, वो दे रखी है 10 एंगस्ट्रॉम। ये पी वाई क्यू है, मतलब ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस। तो आपको बताना है कि Na प्लस और Cl माइनस के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। देखो एक चीज याद रखना, जो मेरे साथ शुरू से पढ़े उनको ही पता है कि Na प्लस पे चार्ज होता है प्लस ई, Cl माइनस पे चार्ज होता है माइनस ई। क्योंकि Cl माइनस का मतलब क्या है? Cl माइनस का मतलब है कि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। Na प्लस का मतलब क्या है? कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो चार्ज कितना है? प्लस ई। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम। और याद रखना, अगर तुम्हें एंगस्ट्रॉम नहीं पता है तो एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के Q1 Q2 बाय R। तो K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10^9। एक चार्ज कितना है? E। एक चार्ज कितना है? माइनस E। R कितना है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो 10 × 10^-10 आंसर किसमें आएगा? जूल में। ये इसका आंसर है। और चाहो तो तुम E की वैल्यू पुट कर सकते हो। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 कूलम। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है और इसके ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो लिख लो अपनी कॉपी में। याद रखना Na प्लस पे ये नहीं कि तुम +1 कूलम लेके आ जाओ, गलत हो जाएगा। सोडियम प्लस पे कितना चार्ज होता है? प्लस ई। Cl माइनस पे कितना चार्ज होता है? माइनस ई। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 10 एंगस्ट्रॉम। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो के की जगह आ गया 9/9। एक चार्ज ई है, एक माइनस की है, और आर ये रहा। लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सबको क्लियर हो गया ये? रानू क्लियर हो गया, सयम क्लियर हो गया, बानू तनु क्लियर हुआ, दिशा कोई डाउट है तो पूछो यार। अलीजा, चीनल, ठीक है यार। अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। वंश, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया अब तक? देखो मैं तुम्हें एक तो ये सिखाया कि अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो होती है। फिर मैं तुम्हें दो का सिखाया, दो की कितनी होती है? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अब मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है। मल्टीपल का मतलब है दो से ज्यादा। तो मान लो एक चार्ज क्यू वन, मान लो एक चार्ज क्यू टू, मान लो एक चार्ज क्यू थ्री। मान लो क्यू वन और क्यू टू के बीच में डिस्टेंस है आर वन, मान लो क्यू टू और क्यू थ्री के बीच में डिस्टेंस है आर टू, मान लो क्यू वन और क्यू थ्री के बीच में डिस्टेंस है आर थ्री। तो अब आपको बताना है कि इस सिस्टम में टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। देखो तुम सबको मेरे साथ चलना पड़ेगा तभी ये टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल का मतलब है अब आपके पास एक की तो जीरो होती है, दो की के क्यू वन क्यू टू बाय आर होती है,
मान लो आपके पास दो से ज्यादा चार्ज है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? तो देखो कैसे निकालते हैं, उसका तरीका मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आप Q1 को लेके आओ। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अपन एक एक करके सिस्टम को बनाते हैं। पहले एक चार्ज लेके आते हैं, फिर दूसरा लेके आएंगे, फिर अपन तीसरा लेके आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक एक करके चार्जेस को लेके आते हैं और फिर अपन एनर्जी निकालते हैं। सबसे पहले आप Q1 को लेके आओ, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि अकेले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, Q1 आ गया। फिर आप Q2 को लेके आओ, लेकिन जब आप Q2 को लेके आए थे तो Q1 पहले से पड़ा था। Q1 कितनी दूरी पे पड़ा था, R1 दूरी पे। तो Q2 और Q1 के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय R1। ये आ गया तुम्हारा, आया समझ में? एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। आपको एक एक करके चार्ज को लेके आना है। सबसे पहले चार्ज को लेके आओ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फिर आप दूसरे को लेके आओ तो पहले की तो जीरो क्योंकि वो दुनिया में अकेला चार्ज है। फिर जब आप Q2 को लेके आए, लेकिन जब आप Q2 को लेके आए तो Q1 तो पहले से पड़ा था, तो Q2 से Q1 कितनी दूरी पे, R1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय R1। चलो ये भी आ गया। अब आप एक काम करो, अब आप Q3 को लेके आओ। लेकिन जब आप Q3 को लेके आए थे ना, तो Q2 भी पड़ा है, Q1 भी पड़ा है। तो जब आप Q3 को लेके आए तो R3 दूरी पे कौन पड़ा हुआ है, Q1 पड़ा हुआ है। तो इस केस में अब दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जब आप Q3 को लेके आए तो Q1 पहले से पड़ा है, तो इनके बीच में कितनी हो जाएगी, के Q1 Q3 बाय R3। और जब आप Q3 को लेके आए तो Q2 भी तो पड़ा है, कितनी दूरी पे, R2। तो इनके बीच में कितनी हो जाएगी, के Q2 Q3 बाय R2। तो अपने सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो आप तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, U1 तो जीरो है, U2 कितना है, के Q1 Q2 बाय R1, और U3 कितना है, के Q1 Q3 बाय R3 प्लस के Q2 Q3 बाय R2। तो ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको एक एक करके चार्ज को लेके आना है। पहले अपन Q1 को लेके आए, फिर अपन Q2 को लेके आए, फिर अपन Q3 को लेके आए। एक बार डेरिवेशन को लिख लो तुम, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें, तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर अगला तुम करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं करके लेके आता हूं, सॉरी करवाता हूं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम। तो मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूं, आपको बताना है सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो एक क्यू है, फिर एक क्यू है, फिर एक और क्यू है, और मान लो आपको ये डिस्टेंस भी ए दे रखी है, आपको ये डिस्टेंस भी ए दे रखी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखो कैसे करेंगे, देखो सब ध्यान से सुनना। मान लो सबसे पहले मैं इस क्यू को लेके आता हूं, तो जब मैं इस क्यू को लेके आया, मान लो कि इसको मैं पहले नंबर पे लेके आता हूँ, इसको दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे नंबर पे। तो पहले वाले को लाने के लिए तो वर्क कितना करना पड़ा, जीरो, क्योंकि पहले वाले को ना तो कोई अट्रैक्ट कर रहा है ना कोई रिपेल कर रहा है, दुनिया में अकेला चार्ज है। फिर अपन इसको लेके आते हैं, इस क्यू को। लेकिन जब अपन इस क्यू को लेके आए तो ए दूरी पे पहले से क्यू पड़ा हुआ है, तो इसके लिए कितना एनर्जी आ जाएगा, के इंटू पहला चार्ज वो भी क्यू है, दूसरा चार्ज जो क्यू है, अपॉन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए के क्यू वन क्यू टू बाई आर। लेकिन अब तुम ध्यान से देखना, जब आप तीसरे चार्ज को लेके आओगे ना इसको, तो जब आप इस क्यू को लेके आए तो एक तो ए डिस्टेंस पे ये क्यू पड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक तो थ्री और टू के बीच की एनर्जी आ जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, के इंटू क्यू अपॉन ए। एक और कौन सी आएगी, ध्यान से देखो, एक जब इस क्यू को लेके आए तो यहां से 2a दूरी पे एक और क्यू पड़ा हुआ है, तो इनके बीच में कितनी आ जाएगी, के इंटू क्यू अपॉन 2a।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और ये कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, जीरो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू ए। तुम चाहो तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। क्या किया, देखो मैंने पहले मैं इसको लेके आया, सबसे पहले वाले के लिए जीरो, फिर मैं इसको लेके आया, लेकिन जब मैं इसको लेके आया तो पहले से ये पड़ा हुआ था, तो इनके बीच में कितनी हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो के इंटू क्यू इंटू क्यू बाय ए। फिर जब मैं तीसरे वाले को लेके आया तो दूसरा भी पड़ा था और पहला भी पड़ा था, तो तीसरे और दूसरे के बीच में भी होगा और तीसरे और पहले के बीच में भी होगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आज का लास्ट क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन सिस्टम। तो आपको बताना है कि नीचे जो सिस्टम है इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्यू क्यू क्यू। और मान लो ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, मान लो ये डिस्टेंस भी आपको ए दे रखी है, और मान लो ये डिस्टेंस भी आपको ए दे रखी है। चेक करो, मान लो ये पहले नंबर का चार्ज है, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, ये आप डिसाइड कर सकते हो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सॉल्व करो कितना आएगा इसका आंसर, एक एक करके लेके आओ, पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को। सबसे पहले इसको लेके आओ, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर इसको लेके आओ, कितनी दूरी पे लाके रखना है, ए दूरी पे, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन ए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। फिर आप तीसरे वाले को लेके आओ, लेकिन जब आप तीसरे वाले को लेके आए तो पहला भी पड़ा है ए दूरी पे, दूसरा भी पड़ा है ए दूरी पे, तो इसके लिए दो आंसर दो आएंगे, एक तो इस तीसरे और पहले के बीच में, तो के क्यू क्यू बाय ए, एक और आ जाएगा के क्यू क्यू बाय ए, मतलब एक तो इस क्यू और इस क्यू के बीच में, एक इस क्यू और इस क्यू के बीच में, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा टू के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये कितना है के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो टोटल कितना हो गया थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा और कुछ पूछना है तो तुम अब मुझसे पूछ सकते हो यार। देखो बेस्ट ये है तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो और पीछे के क्वेश्चन ट्राई करना चालू करो। किसके, आज मैंने तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी करा दिया सिंगल और मल्टीपल चार्जेस का, पोटेंशियल एनर्जी भी करा दिया सिंगल और मल्टीपल चार्जेस का। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके यार, चलो बाय बाय, थैंक्स अ लॉट यार, एंजॉय। थैंक यू सर। सर टू नंबर स्क्रीन दिखाओ ना प्लीज एक बार। कौन सी वाली, कौन सी वाली?